हेलो स्टूडेंट्स, देखिए समझते हैं अपने एक नेक्स्ट डेरिवेशन को, जो कि है एसी वोल्टेज अप्लाई टू अ कैपेसिटर लैग्स बाय फेज 90 डिग्री विद करंट। मतलब करंट से जो हमारा एसी वोल्टेज होता है वो लैग करता है, इस बात को याद रखिएगा। ऐसे इंडक्टिव सर्किट में हमने पढ़ा था जो हमारा वोल्टेज होता है वो लीड करता है 90 डिग्री। तो याद रखिए, अगर एल है इंडक्टर में तो इंडक्टर में हमारा वोल्टेज लीड करता है, याद रखिएगा। वोल्टेज हमारा क्या करता है, लीड करता है 90 डिग्री आगे रहता है। ऐसे कैपेसिटर में याद रखिए करंट लीड का, सी से कैपेसिटर, सी से करंट, इस तरीके से आप याद रखिएगा। तो कैपेसिटर में हमारा करंट लीड करता है 90 डिग्री, या इसे आप उल्टा बोल सकते हो, वोल्टेज लैग करता है 90 डिग्री। लैग मतलब पीछे रहता है और करंट मतलब आगे रहता है, लीड का मतलब, ठीक है। ऐसे ही एल में अगर हम बात करें तो वोल्टेज लीड करता है और करंट लैग करता है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, ये हमें शो करके दिखाना है आप कैपेसिटिव सर्किट में। तो सपोज हमने हमने जो एसी वोल्टेज है वो वी एम साइन ओमेगा टी अप्लाई किया इसमें, तो मान लेते हैं लेट वी इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी इज अप्लाइड अक्रॉस कैपेसिटर whose capacitance is C। हमने मान ली उसकी capacitance कितनी है, C है, clear। अब आपको देखिए पता होना चाहिए C is equal to हमारा क्या होता है, ये हमने second chapter में पढ़ा है capacitance वाले में, capacitor वाले में Q by V formula। यहाँ से अगर हम voltage निकालें capacitor में तो हमारा क्या होता है Q by C, इस बात को याद रखिएगा। जो capacitor के along जो voltage होता है वो कितना होता है, Q by C। तो या तो आप इसमें देखिए KVL लगा दीजिए, या फिर सिंपली इज इक्वल टू आप ऐसे लिख दीजिए, इसमें जो वोल्टेज ड्रॉप होगा बी एम साइन ओमेगा टी वो इक्वल टू किसके होगा, इसमें वोल्टेज ड्रॉप मतलब ये जो वोल्टेज होगा सॉरी बी एम साइन ओमेगा टी वो क्या किसके इक्वल होगा, इसमें जो वोल्टेज ड्रॉप होगा क्योंकि दोनों क्या है पैरेलल में ही तो है, तो बी एम साइन ओमेगा टी किसके होगा, इसमें वोल्टेज क्यू बाई सी के। या फिर आप केवीएल पुट कर दीजिए, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, तो यहाँ से देखिए बी एम या केवीएल आप लगा लेते हैं, सपोज यूजिंग KVL इन लूप, तो KVL हम लगाते हैं। बस ये बात आपको याद रखिए, जो वोल्टेज हमारा होता है वो याद रखिएगा, यहाँ पे वोल्टेज हमारा कैपेसिटेंस कैपेसिटर में कितना होता है Q by C, B is equal to हमारा कितना होता है Q by C, ये वोल्टेज याद रखिएगा यहाँ पर। तो KVL हम अगर पुट करते हैं तो यहाँ से देखिएगा Vm sin ओमेगा टी, Vm sin ओमेगा टी, सेकेंड साइन लेते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, तो नेगेटिव, और वोल्टेज कितना है इसमें Q by Q by C equal to zero। तो यहां से देखिए लिख सकते हैं क्या, Q by C इधर ले जाइए, तो यहां ऐसे लिख सकते हैं देखिए Q by C equal to Bm sin omega t, या सिंपली आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं Q by C equal to किसके होगा Bm sin omega t, क्योंकि दोनों क्या है पैरेलल में है, तो वोल्टेज कैसा होगा इक्वल, क्लियर। C को इधर ले जाइए, यहां से देखिए Q is equal to हम लिख सकते हैं कि Q is equal to C C वी एम साइन ओमेगा टी, या फिर हम इसको अब देखिए अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करना चाहें, क्या करना चाहें डिफ्रेंशिएट, तो हम इसको देखिए क्यू को हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं टी के रिस्पेक्ट में, क्योंकि क्यू किसका फंक्शन हो गया टी का फंक्शन, क्योंकि यहाँ साइन आ गया यहाँ पे साइन ओमेगा टी, तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, विद रिस्पेक्ट टू टी, तो देखिए क्या लिख सकते हैं dq by dt, अगर q का करेंगे तो हम कितना लिख सकते हैं dq by dt equal to cvm ऐसे ही, और sin का जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो sin का क्या देखिए हो जाएगा, देखिए cos sin का कितना हो जाएगा cos omega t, अगेन देखिए फंक्शन का फंक्शन है omega t का, अगेन करेंगे तो कितना हो जाएगा omega, क्लियर। तो जब फंक्शन का फंक्शन होता है तो इस तरीके से हम डिफरेंशिएट करते हैं, यहां से हम देखिए लिख सकते हैं क्या dq by dt, देखिए चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, dq by dt हमारा क्या कहलाता है करंट, तो इसको हम करंट लिख सकते हैं i, यहां से देखिए ये क्या vm vm अपॉन, हमने देखिए इसको ऐसे लिखना चाहिए क्या है ओमेगा c, अगर हम इसको इस तरीके से लिख दें वन अपॉन ओमेगा c तो कोई दिक्कत, क्योंकि ओमेगा c ऊपर आके हो तो यही एक्सप्रेशन जाएगा, यहां से इसको क्या कर सकते हैं देखिए cos ओमेगा t, क्लियर। अब यहां से अगर हम देखें I इक्वल टू वी एम अपॉन आई बाय ओमेगा सी,
कॉस को हम देखिए ऐसा लिख सकते हैं साइन 90 प्लस थीटा पाई बाई 2 प्लस थीटा ओमेगा टी, क्योंकि आपको पता होगा सेकंड क्वाड्रेंट में जो आता है जैसे ये फर्स्ट, यहाँ तो केवल ऑल पॉजिटिव, यहाँ कौन सा होते हैं साइन के पॉजिटिव होते हैं, 90 प्लस थीटा किस में आएगा इस वाले में, 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में आता है और साइन का इसमें क्या होता है पॉजिटिव, तो साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है ना कॉस थीटा, याद रखिएगा। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्लियर। और यहाँ से इस बात को याद रखिए, ये जो होता है ये बिल्कुल रेजिस्टेंस के इक्विवेलेंट होता है, मतलब रेजिस्टेंस के एनालॉगस होता है, क्योंकि इसकी जो डायमेंशंस होती हैं और जो रेजिस्टेंस की डायमेंशन होती है बिल्कुल सेम होती है, ठीक है। तो इसको हम, इस वाले टर्म को हम बोलते हैं क्या, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, क्या बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो याद रखिएगा हियर 1/ωC इज एनालॉगस टू रेजिस्टेंस विच इज नोन एज कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इसको हम क्या बोलते हैं, विच इज नोन एज कैपेसिटिव रिएक्टेंस, जिसको हम डिनोट करते हैं एक्सी से। तो याद रखिएगा 1/ωC को हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं और डिनोट करते हैं क्या एक्सी से। तो 1/ωC को हम क्या मान सकते हैं ओमेगा सी। तो याद रखिए एक्स इज इक्वल टू क्या होता है 1/ωC, इसकी जगह हम पुट कर सकते हैं क्या एक्स सी। तो हम इसको देखिए करंट का एक्सप्रेशन ऐसे ले सकते हैं आई इक्वल टू वीएम बाय, देखिए कितना है वीएम, तो वीएम को ऐसे लिखा हमने वीएम बाय एक्स सी। तो यहां लिख सकते हैं वीएम बाय एक्स सी और साइन 90 प्लस ओमेगा टी, मतलब पाई बाय 2 ओमेगा टी। तो यहां से देखो ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 भी लिख सकते हैं, तो यहां से लिख देंगे क्या ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। यहां से देखिए करंट का एक्सप्रेशन आया हमारे पास, ये हमारा किसका एक्सप्रेशन है करंट का, इसको याद रखिए किसका एक्सप्रेशन है हमारे करंट का, ये करंट का। और वोल्टेज का भी हमने देखा, जो वोल्टेज का एक्सप्रेशन था हमारा, वोल्टेज का क्या था v इज इक्वल टू vm sin ओमेगा टी। तो vm sin ओमेगा टी ये हमारा वोल्टेज का एक्सप्रेशन है। अगर आप यहां से देखें, देखिए ये क्या है इसकी फेस है वोल्टेज की ओमेगा टी, और यहां देखे तो ओमेगा टी पाई बाई 2। तो यहां से आप देखिए करंट का एक्सप्रेशन पाई बाई 2 ज्यादा है, ऐड हो रहा है, दैट मींस जो करंट है वो लीड कर रही है किससे वोल्टेज से, और कितना डिग्री 90 डिग्री। तो ये बात आपको याद रखनी है, करंट हमारी वोल्टेज से लीड करती है किसमें कैपेसिटिव सर्किट में। तो ये हमें शो करके दिखाना था, इस बात को याद रखिएगा। ऐसे यहां से अगर फेजर हम डायग्राम देखें तो आप इसको इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं फेजर डायग्राम को, अगर हम फेजर डायग्राम बनाना चाहें तो फेजर डायग्राम देखिए ऐसे बनेगा। वोल्टेज अगर हम देखिए यहाँ दिखाते हैं तो करंट हमारी क्या करती है, देखिए लीड करती है। अगर हमने वोल्टेज सपोज ऐसे दिखाया, ये वोल्टेज है तो करंट हमारी लीड कर रही 90 डिग्री, तो आप ऊपर को एरो बनाएंगे ये हमारी करंट हो गई। या फिर आप ऐसे भी बना सकते हैं, अगर आप इधर करंट दिखाते हैं आई, ठीक है करंट इधर दिखाते हैं, तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं वोल्टेज लैग करता है, क्योंकि वोल्टेज पीछे है 90 डिग्री, तो वोल्टेज लैग करता है। तो आप ऐसे बना दिए फेजर डायग्राम या फिर ऐसे, तो यहाँ से क्लियर है 90 डिग्री आगे है करंट, ठीक है, और वोल्टेज क्या है पीछे। तो अगर करंट इधर दिखाएं तो वोल्टेज पीछे दिखाने के लिए हम नीचे एरो बना देते हैं, और आगे दिखाने के लिए हम ऊपर बना देते हैं। या फिर अगर हम इसका ये देखें वेव डायग्राम देखें यहाँ से, ये देखिए फेजर डायग्राम, ये किसी वो था हमारा टी इक्वल टू जीरो पर फेजर डायग्राम सिंपली, ये किसी हमारे पर्टिकुलर टाइम पर किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर ओमेगा टी एंगल पर हमने दिखा दिया। ये देखिए वोल्टेज है, ठीक, और वोल्टेज से 90 डिग्री आगे है करंट, तो देखिए ये हमने 90 डिग्री इधर को बनाया, ठीक है। अगर देखिए याद रखिए जब वोल्टेज कितना है, यहाँ देखिए ये वोल्टेज की पल्स है ब्लू वाली, वोल्टेज जीरो है, ठीक है, तो करंट हमारा आगे चल रहा है, तो करंट पॉजिटिव का देखिए कितना 90 डिग्री आगे है। यहाँ से अगर हम देखें इस वाले पॉइंट पे, तो यहाँ से देखिए वोल्टेज, ये डॉटेड लाइन है करंट की, करंट देखिए जीरो है और वोल्टेज, हाँ देखिए ये यहाँ पे देखिए करंट कितना होगा जीरो और वोल्टेज कितना है यहाँ पे ये, ठीक, ये वैल्यू होगी वोल्टेज की पीक वैल्यू और करंट कितना है जीरो। तो याद रखिए देखिए करंट आगे से स्टार्ट हो रहा है, तो करंट आगे चल रहा है 90 डिग्री, क्लियर। ये देखिए पहले मैक्सिमम, ये क्या है जीरो हो जाए, ठीक है, जब ये जीरो होगा तो वो मैक्सिमम हो गया। तो इस तरीके से याद रखिएगा
करंट हमारी लीड करती है कैपेसिटर में और वोल्टेज लीड करता है हमारा किसमें, इंडक्टर में। थैंक यू सो मच, ये हमें शो करके दिखाना होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।